हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, जिसका टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके पार्टनर क्या अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करा करते थे? अब आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। बस हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्यार क्या उतना है या अब कम हो गया है, ठीक है। और अगर प्यार है तो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं या आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए नहीं आते हैं या आपसे बात नहीं करते हैं अगर नो कॉन्टेक्ट में हैं तो, मतलब ऑब्स्टेकल्स देखेंगे, ठीक है। ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से जॉडियक साइंस देखेंगे, कुछ नंबर्स की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि जो नंबर्स हैं वो कैसे रिलेट करते हैं आपके साथ, ठीक है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे, ओके। हमेशा की तरह, जैसे जब तक मैं यहाँ पर शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, तब तक आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी पावर पे बिलीव करते हैं उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। और अपना पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, वो भी इन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आएंगे तो वही एनर्जीज मुझे भी पिकअप होंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फायर, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, सन, लियो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से साइंस आए हैं और नंबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर फायर है, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस है, कैंसर है, लियो है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, सारे साइंस इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइंस यहाँ पर हैं क्योंकि यहाँ एयर है और अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ आपको, 23, 12, 4, 13, 25, 9, 26, 20, ठीक है, ये कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए। और सिंगल नंबर्स में यहाँ पर बताऊँ तो 5, 3, 4, 2, 8, 7, ठीक है, ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं, मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ, ठीक है। ये थे यहाँ पर जॉडियक्स और नंबर्स। अब आपको रिलेट करना है ये कितने आपसे मैच हुए हैं, कितने हद तक, मे बी ये आपके पार्टनर का हो सकता है या फिर आपका भी हो सकता है, ठीक है, नंबर्स और जॉडियक्स, ओके। तो यहाँ से ये हमें पता चल चुका है। अब हम रीडिंग की तरफ जाते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आज हम ये वाला टैरो यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल जो मेन टैरो होता है उसी से देखने की कोशिश करूँगी मैं,
क्या आपके पार्टनर के दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले कभी हुआ करता था? ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। नो कांटेक्ट में यहाँ पर बहुत से लोग हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट में है क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट का ये कार्ड भी आ गया, नो कांटेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ही अलग हो रखे हैं, दूर दूर हो रखे हो आप लोग अपने पार्टनर से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशंस लेने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर, ठीक है, मैं मिनी टैरो यूज़ कर रही हूँ क्लैरिफिकेशंस के लिए। दो कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, और सिनेरियो भी एक से ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब दो दिख रहे हैं ये कह सकते हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं यहाँ? देखो, पहली चीज़ जो प्यार वाली बात है, तो प्यार है मगर वो दबा हुआ है, मतलब अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, ठीक है। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं मगर ये मजबूर हैं, ये आपके साथ दोबारा से कमिटेड होना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, मगर इनके दिमाग में ना चीज़ें बहुत घूम रही हैं, इनके जो खुद के थॉट्स हैं ना वो इन्हें अच्छी राय नहीं दे रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, दिमाग भी कई बार शैतान का रूप ले लेता है और उसको गलत गलत चीज़ें बताना शुरू कर देता है या जो भी कुछ है, वो चीज़ मुझे अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की। मगर ये आपके साथ चाहते तो हैं, दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, एक टीम वर्क करना चाहते हैं, एक टीम क्रिएट करना चाहते हैं, जो एक टीम टूट चुकी है, यानी कि आप दोनों के बीच का जो कमिटमेंट टूट चुका है उसको दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर तो दिख रही है। दूसरी चीज़, आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी हाल फिलहाल जैसे इतना कंफ्यूज्ड हैं तो इस वजह से ये हर्मिट मोड पे गए हैं, यानी कि बहुत कोल्ड इमोशंस दिखाना, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो कोल्ड इमोशंस दिखाना, अगर हो रही है तो भी कोल्ड इमोशंस दिखाना, यानी कि अगर जैसे अगर आप दोनों की बिल्कुल ही सेपरेशन है, बिल्कुल टोटली नो कॉन्टेक्ट है, तो ये आपकी तरफ अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर हाँ अपनी साइड से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि ये स्टिल अभी भी आपसे प्यार करते हैं। मगर आप कंफ्यूज्ड हो, क्यों कंफ्यूज्ड हो, ये कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर को ना स्टॉक कर रहे हो किसी भी तरीके से, स्टॉकिंग की नज़र मतलब एनर्जी नहीं आई है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कर रहे हो, शायद आप दूसरे नंबर से स्टॉक कर रहे हो कि उनकी डीपीस क्या लगी हैं, ये अबाउट क्या लगा हुआ है, या वो सोशल मीडिया में किस तरीके से एक्टिव हैं या क्या हैं, जो भी कुछ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर है ना, मतलब आप जो है ना अपने पार्टनर को स्टॉक तो कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि हर्मिट बिल्कुल ही आइसोलेशन को बताता है, आइसोलेट हो रखे हैं। टेन ऑफ कप्स हैं, ये आपके साथ एक तरीके से एक
फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस तरीके का देंगे कि हाँ ठीक है मैं इमोशनली सपोर्ट करूँगा, ठीक है, या कुछ के केसेस में फाइनेंस भी सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है या बंदी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कलेक्टिव है, कि आपके जो पार्टनर है ना अभी हाल फिलहाल के लिए ना अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये आपसे प्यार तो करते हैं मगर इन्होंने अपनी इमोशंस बिल्कुल ही टोटली हाइड कर लिए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं फैमिली की तरफ ध्यान देते देते ना अपने प्यार को भूल चुका हूँ, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ किसी भी तरीके से। तो इन्हें ना इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, ठीक है, गिल्ट हो रहा है इन्हें इस चीज़ का, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये कनेक्शन मैं टोटली खो ही ना दूँ, क्योंकि ये किसी चीज़ को सुधारने के चक्कर में ना आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा ही इग्नोरेंस हो जाएगी तो क्या होगा, आप इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए राज़ी हो जाओगे कि ठीक है, जब इतना लंबा लंबा पीरियड हो जाता है कि आप दोनों के बीच में टोटली कोई बातचीत नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। देखो कनेक्शन जब होता है ना, रिलेशनशिप जब होता है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप दिन में 24 घंटे बात करते रहो। अगर इंसान हफ्ते में दो बार भी बात कर ले मैसेज के थ्रू, इनफ है, एक चेन बनी रहती है। मगर आपके पार्टनर ना चेन तोड़ देते हैं, महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, कभी आएंगे घूम फिर कर तो बात कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर एकदम से साइलेंट, बिल्कुल ही टोटली बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, जिस वजह से आप दोनों के कनेक्शन में ब्रेकअप्स आते रहते हैं। आपके पार्टनर की साइड से ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में दो दो क्वींस हैं, या तो फिर ये मैरिड हैं तो इनकी क्वीन होगी, ठीक है, और एक आप हो सकते हैं। ये दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आई थिंक इन्होंने पास्ट में भी करना चाहा मगर इनसे हुआ नहीं, जिस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया और कहीं ना कहीं ये अपनी शादी पे फोकस्ड हो गए कि ठीक है मुझसे नहीं संभल रहा, मैं उस कनेक्शन को दूर कर देता हूँ, मैं अपनी लेगेसी पे ध्यान देता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता जब बैलेंस नहीं कर सकते हो प्यार करते क्यों। ऐसे लोगों को ना प्यार करने का हक ही नहीं है, कि जो इंसान अगर ठीक है मैरिड हो, आपके अपने पार्टनर के साथ नहीं बनती है, किसी और से प्यार हो गया, तो प्यार हो गया तो वो क्या कोई चीज़ है कि जब चाहे तो आप उससे बात करो, जब चाहे आप उससे बात ना करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत गलत लगती है। या तो वह बैलेंस करके चलो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी लेगेसी को तोड़ दो, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को छोड़ दो, वो चीज़ तो मुझे यहाँ दिख भी नहीं रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ये काम करेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं। ये दो बच्चे देख रहे हो ना आप, यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, आपके पार्टनर ये काम करेंगे भी नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि वो अपनी लेगेसी को ब्रेक करके आपको कमिटमेंट दे देंगे, नो नेवर, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना ये बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें सोच रहे हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर ये अपने दिल की सुने ना तो ये चीज़ें अच्छे से बैलेंस कर पाएं, मगर नहीं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। आपके इस कनेक्शन में गिविंग एनर्जी में आप थे, रिसीवर वो थे, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में कहूँ तो आपके पार्टनर किसी एक को बहुत ज़्यादा कर रहे थे और एक को तो इग्नोर ही कर रहे थे। आप खुद देखो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है एक को बहुत ज़्यादा कुछ दे रहा है, देखो यहाँ पर पेंटिकल्स उसके झोली में गिर रहे हैं और ये हाथ फैला के बैठा हुआ है इंसान, मगर ये इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और इंसाफ का तराजू लेकर हाथ में खड़े हुए हैं कि मैं चीज़ें बैलेंस कर रहा हूँ, मगर बैलेंस तो है ही नहीं ना यहाँ। यहाँ क्या चीज़ बैलेंस दिख रही है, इसको दे रहे हो इसको दे ही नहीं रहे हो कुछ, तो ये बैलेंस कहाँ से होगी, मतलब डिसबैलेंस है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस हर्ट करे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मगर अब इन्हें इस चीज़ का गिल्ट है क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सिचुएशन को बैलेंस क्यों नहीं किया, मैं चाहता तो हर चीज़ को बहुत स्मूथली बैलेंस कर सकता था मगर मैंने नहीं करा क्योंकि मैं सिचुएशन को समझ के करके भाग गया, दौड़ गया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी इनको कुछ नेगेटिव करती भी होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को आपके इस कनेक्शन के बारे में पता है, जिस वजह से इन्होंने आपकी तरफ से बिल्कुल ही अपने इमोशंस डिटैच कर लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल ही खींच लिए हैं अपनी एनर्जीज वगैरह। वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी ऐसा कर रहे हो कि ठीक है अगर तू आता है तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाए, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ बहुत किया है,
बहुत मींस बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है। जब दिल करता था वो आपसे बात करते थे, जब दिल करता था आपसे बात नहीं करते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों की थिंकिंग अब ऐसी भी बन चुकी है कि शायद मेरा जो पार्टनर है ना उसने मुझे यूज़ करा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यूज़ करा है किसी ना किसी तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा सोचते होगे कि आपके जो पार्टनर है ना उन्होंने आपको यूज़ तो करा, आपके इमोशंस के साथ खेला, ठीक है। इमोशनली आपको हर्ट करा, फिजिकली आपको हर्ट करा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक वक्त पे ऐसा पैशन था आपके पार्टनर के ऊपर कि मुझे इसे पाना है तो पाना ही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो रही बात प्यार वाली बात, तो प्यार है मगर अपने इमोशंस को हाइड करा हुआ है, कोल्ड करा हुआ है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में गए हुए हैं और जानबूझ के गए हुए हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। साइंस बता देती हूँ आपको, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और वाटर साइन है, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस पाइसिस स्कॉर्पियो कैंसर, ठीक है। वाटर साइन में सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर कि मैं जेमिना लिब्रा एक्वेरियस बोलूँ, अभी तो हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे रीडिंग में आएगा तो हम उसे देख लेंगे, ओके। यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि अगर इन्हें इतना प्यार है, नहीं पहले मैं ये देखती हूँ कि और क्या है इनकी एनर्जीज में, अगर आपसे प्यार है तो ये कैसा सोचते हैं, किस तरीके का सोचते हैं, ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या एनर्जीज में आता है इनके पार्टनर की, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। प्यार के मामले में और क्या चीज आती है उनके दिल में, बॉटम ऑफ द डेक में आ गया स्टॉकिंग की एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना थर्ड पार्टी की वजह से स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है। ये एक ना फट्टू इंसान बोलूँगी मैं ऐसे इंसान को, ठीक है, डरपोक। इन्होंने आपसे वादे बहुत बड़े बड़े करे थे, मैं तो ये, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी को कुछ नहीं समझता या थर्ड पार्टी के साथ मेरे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ ये चीज़ तो है कि कनेक्शन ऐसे नहीं है इतने डीप और दिल से जितने आपके साथ हैं, ये चीज़ मैं बोलूँगी, ठीक है। मगर मैं ये बोलूँ कि बस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, है, ठीक है। उसके साथ भी इमोशंस इनके हैं मगर आपके साथ थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। मगर आपके साथ होते हुए भी ज़्यादा ये थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्यों, क्योंकि इनकी बस समझ लो इनकी ना दम नहीं है इनके अंदर किसी भी चीज़ का कि कोई एक्शन लें। ये चाहते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट बहुत टाइम से है, मेरे भी यहाँ पर 4 महीने हो सकते हैं, 5 महीने, 2 महीने, ठीक है, 8 महीने, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का नो कांटेक्ट लग रहा है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, तुम मेरे को एक बार कॉल मैसेज करो, मैं तुमसे बात कर लूँगा। व्हाई? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो तुम्हें कॉल मैसेज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम रिप्लाई तो करोगे नहीं, हिम्मत तो तुम्हारी गई तेल लेने, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मे बी यहाँ पर बहुत से लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड हों, ये हो सकता है आप लोगों को 888-555-444-222 दिखता हो, ठीक है। ये चीज़ के चांसेस हैं। आपके पार्टनर ना सोशल मीडिया पे एक्टिव बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, और आपके पार्टनर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मगर जो आपके पार्टनर है ना वो आपको स्टॉक बहुत अच्छे से कर रहे हैं, किसी भी तरीके से देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, जहाँ देख सकते हैं वहाँ देखने की पूरी कोशिश करी हुई है इन्होंने, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं किसी डिसीज़न में आना चाहते हैं, आर या पार, क्योंकि वो बीच में लटक के नहीं रहना चाहते हैं। और आप लोगों की भी ये थिंकिंग है, आप लोग बीच में लटक के नहीं रहना चाहते हो। आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जीज उन्हें मिलें। आप किस ऑरे में हैं, किस उसमें बैठे हुए हैं कि अगर ये आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो आप इन्हें कैसा रिएक्शन दोगे,
ठीक है, आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को, पास्ट की कुछ चीज़ों को सोच सोच कर ना पीछे हट जाते हैं। मे बी शायद पास्ट में इनके घर में किसी को पता चल गया हो तो बहुत बवाल मच गए हों, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस बार भी ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, इस बार तो मैं बिल्कुल ही फंस जाऊँगा, ठीक है, या फंस जाऊँगी, या इस बार मुझे बहुत कुछ नुकसान सहना पड़ जाए, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मे बी यहाँ पर इन्हें पेंटिकल से हाथ धोना पड़े, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ये थर्ड पार्टी के साथ पैसों के वजह से हो रखे हों, क्या पता ये चीज़ हो सकती है, या थर्ड पार्टी ऐसा बोलती हो कि अगर मैं तुम्हारे ये बारे में घर में किसी को बता दूँ तो तुम्हारा कहीं का कुछ भी नहीं रह जाएगा, तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी, ये वो सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्लैरिफिकेशंस मैं ले लेती हूँ एक बार कि क्लैरिफिकेशंस में क्या है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ क्यों आया है, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोबारा है, आपके पार्टनर भीगी बिल्ली की तरह हैं थर्ड पार्टी के सामने, ठीक है, इतनी ज़्यादा भीगी बिल्ली की तरह हैं कि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इन दिनों, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से केसेस में आप दोनों के बीच में फिज़िकल कनेक्शन बन भी चुका है, कुछ लोगों के केसेस में बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत एक स्ट्रांग ऑरे में देखते हैं और ये देखते हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है, आपके अंदर किसी भी तरीके की बुलशिट्स लेने की अब वो नहीं रही है, ना आपके पार्टनर अगर आपको बेवकूफ़ बनाए और आप बन जाओ वो चीज़ अब आप रहे नहीं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, आपके पार्टनर ना बहुत ना इम्पल्सिव नेचर के हैं कि अगर मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मुझे किसी एक को चुनना है तो डन। दिमाग इस टाइम पे यूज़ करना चाहिए ना, वहाँ दिमाग यूज़ नहीं करते, दिल के मामले में वो दिमाग यूज़ करते हैं, और जहाँ उन्हें दिमाग यूज़ करना है कि मुझे किस तरीके से बैलेंस करना है, अगर मैं सच में इससे प्यार करता हूँ तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, वो आपके पार्टनर के अंदर है ही नहीं। जहाँ कहीं पर थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखता है ना इन्हें मामला, कि फटसानी आपको छोड़ने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि थर्ड पार्टी को छोड़ें या सिचुएशन को छोड़ें, वो चीज़ नहीं होती है, ये सीधा का सीधा आपको छोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको कट ऑफ करता हूँ तभी मेरी लाइफ स्मूथ चलेगी, चला लो भाई, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो ये देखता है कि तुमने किसी से वादे करे थे, आज तुम उस पर एक चीटी भर भी खरे नहीं उतर रहे हो, तो उसको उसका कर्मा मिलता ज़रूर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, अब पछता रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने सिचुएशन बैलेंस क्यों नहीं करी, इन्होंने अपने जो इनकी लाइफ में जो इश्यूज क्रिएट हुए थे थर्ड पार्टी आपको लेकर, या जो भी इस कनेक्शन का रिवील हुआ या जो भी कुछ हुआ, तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ को फोकस क्यों नहीं किया। दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पर लग रहा है, इनके घर में किसी की तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, या फिर इनकी खुद की बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, या तो फिर इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या कुछ ना कुछ है। इनके घर में किसी तरीके का कोई कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर कोई लेडी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं होता है, ये कार्ड हमेशा सेलिब्रेशन या अच्छा कार्ड होता है, क्योंकि इसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स है। इनके घर में किसी की बहुत बुरी तरीके से तबीयत ख़राब है, ये तो कन्फर्म है, किसी की तबीयत ख़राब है बहुत बुरी तरीके से, और या फिर इनके घर में किसी की डेथ हुई है एक महीने के अंदर, इनके रिलेटिव्स में भी हो सकता है या कुछ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, इन्हें यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनको ना आपके पार्टनर को असल मायने में मैं बताऊँ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनके सोचने समझने की शक्ति में ना
एक तरीके से ना जंग लग चुकी है, ये ना कुछ ढंग का सोच पा रहे हैं, ना कोई एक्शन अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रखे हैं। परेशान होना जायज़ भी है, जब आपको किसी दर्द में दिया है तो वो आपको रिटर्न मिलेगा ही। जैसे मैं कहती हूँ ना कि भाई अगर तुम आम बोओगे तो तुम्हें आम ही मिलेगा, नीम बोओगे तो तुम सोचो आम मिले तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, नीम बोओगे तो नीम ही मिलेगा तुम्हें। तो इन्हें जैसे को तैसा मिल रहा है अब आपके पार्टनर को, क्योंकि इनको आप इन्होंने आपको डिस्ट्रॉय करा ना, आपके इमोशंस को हर्ट करा, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि इनके इमोशंस और इनकी चीज़ों को हर्ट करा जा रहा है। टू ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, देखा मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स में भी यही पता चल रहा है कि मैंने कहा ना कि जो दोगे वो मिलेगा, आपके पार्टनर को वो चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपके पार्टनर किसी दूसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व थे, ठीक है, या हैं, तो इन्हें वहाँ से वही चीज़ मिल रही है जो इन्होंने आपको दी थी, ठीक है। वो ये घूम फिर के रिटर्न आता ही है कर्म, तभी कहते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए। इंसान ये सोचता है मैं तो डरता नहीं हूँ, मुझे कौन देख रहा है, मुझे तो कोई देख नहीं पा रहा है, मैं जो मर्ज़ी आए करूँ अपनी ज़िंदगी में, एक से अफेयर करूँ, दो से करूँ, तीन से करूँ, चार से करूँ, ठीक है, ना मेरे पार्टनर को पता चलना है, ना मेरा थर्ड पार्टी को पता चलना है, किसी को पता नहीं चलना है, अपनी लाइफ को इंजॉय करो। वो इंजॉय ना एक दिन ऐसा तमाचा बन के उसके मुँह पे चेप होता है ना, वो यूनिवर्स ही फिर अच्छे से उसकी खबर लेता है कि तू औरत या किसी के इमोशंस, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो, किसी के इमोशंस को हर्ट करोगे तो वो चीज़ तुम्हें रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी किसी दूसरे के थ्रू। तो वो आपके पार्टनर को मिल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ना कुछ के केसेस में बताऊँ फ्लर्टी भी हैं, तो उन्हें ना फ्लर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो फ्लर्टी नेचर के वजह से ना, अगर मेरी पार्टनर से मेरी बातचीत नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी से मैं परेशान हूँ, चलो तीसरा कनेक्शन बना लेता हूँ, वो तीसरा इनके मुँह पे तमाच मारेगा एक, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल इनके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है। फोर ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें कहीं से रिजेक्शन फेस करने को मिला है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर द वर्ल्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से कोई एक धक्का पड़ा है, ठीक है, या फिर आने वाले टाइम में विद इन वन मंथ के अंदर, या बहुत जल्दी हुआ तो चार दिन के अंदर इनको एक थप्पड़ पड़ने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स की साइड से। किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो फिर इनके फाइनेंस के थ्रू हो सकता है, इनकी हेल्थ के थ्रू हो सकता है, इनके इमोशंस के थ्रू हो सकता है, या फिर मैंने हेल्थ बोला ही है शायद, ठीक है, हेल्थ के थ्रू हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा अपने आप को बेबस समझेंगे ना कि मैं बेबस हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इधर से भी गया उधर से भी गया, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनकी कोई एक साइकिल ख़त्म नहीं होने वाली है, क्रिएट होने वाली है, ये अपने ही जाल में खुद फंसने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। जो जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर अगर सच में आपको चीट करके किसी के पास गए हैं, किसी के साथ कनेक्शन बनाया है, उनके लिए बोल रही हूँ, उनका एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे एक चक्कर हो रहा है, एक सर्कल बन रहा है, जिसमें ये खुद ही फंस जाएंगे। और कुछ के पार्टनर के लिए अगर बोलूँ, वो आपसे दूर रह के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने सच में आपसे प्यार करा है, उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, उनके माइंड पे भी असर पड़ रहा है, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, उनके बीपीज अप एंड डाउन हो रहे हैं, अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती करी। आप दोनों के बीच में जो एक कार्मिक सिचुएशन, एक कार्मिक साइकिल चल रही थी ना, उसका एंड होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे दोबारा से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ये उनके लिए जिनके पार्टनर सच में लॉयल थे, ठीक है। साइंस बता देती हूँ यहाँ पर, लियो हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, सारे साइंस यहाँ पर इंक्लूड हो रखे हैं। यहाँ पर ये देखने की कोशिश करती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स किस चीज़ के हैं, ठीक है। अगर इतना प्यार है, कुछ के केसेस में अगर प्यार है, तो किस क्या ऑब्स्टेकल्स हैं कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
थर्ड पार्टी फैमिली एक पे मेरा कार्ड नीचे गिर गया फाइनेंस कैरियर ठीक है ऑब्स्टेकल्स तो यही दिख रहे हैं यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन कार्मिक पार्टनर ठीक है ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ यहाँ पर मैं थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर यूनिवर्स थर्ड पार्टी तो यहाँ पर पक्का है फैमिली हो सकती है कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है या फिर फैमिली हो सकती है फोर ऑफ वॉन्ड्स हस्बैंड वाइफ का भी यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है अपने हिसाब से लेना क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हस्बैंड वाइफ बोला जाता है ना वो यहाँ पर कमेंट्स की बारिश हो जाती है मैम मैं ही हूँ मेरी मैं क्या थर्ड पार्टी हो गई अरे आप दोनों के कनेक्शन में जो कोई तीसरा होगा वो थर्ड पार्टी होगा ठीक है द मून एस ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन द वर्ल्ड सेवन ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिंसेस ऑफ कप्स इनको किसी चीज़ का कर्मा फेस करने को मिल रहा है ठीक है इनके इमोशंस बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और दूसरी चीज़ अगर आपको बताऊं कि ऑब्स्टेकल क्या है फैमिली रोमांटिक पार्टनर फाइनेंस कैरियर या फिर कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में कोई ऐसा एक कार्मिक वक्त चल रहा है जिससे ये परेशान हो रखे हैं इनके कार्मिक वक्त ऐसा भी होता है जैसे कई बार हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है पल पल कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बॉडी में ठीक है या फिर इनके फाइनेंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं कभी तो अच्छा होता है तो ये मन से खुश हो जाते हैं फिर कभी एकदम डाउन चला जाता है कुछ भी नहीं हो रहा ठीक है सोशल मीडिया में आई थिंक आपके पार्टनर अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मगर जैसे कहते हैं ना कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है आप इनकी अबेंडेंस है आप इनकी ग्रोथ हैं जो स्टॉप हो चुकी है क्योंकि जब तक आप इस कनेक्शन में थे इनके साथ तब तक इनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा था ठीक है अच्छा हो भी रहा था मगर अब नाउ डेज जो है कि मतलब अब के जो दिनों में क्या चीज़ हो रही है ये बहुत परेशान है बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा ये अपने आप का अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश भी करते हैं सेलिब्रेशन करते हैं दोस्तों में उठते बैठते हैं दोस्तों से बातचीत करते हैं मगर जैसे ही रात होती है ना इनके दिमाग में सारा सिनेरियो घूमने लगता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया आप जब थे तो कितना अच्छा था पूरा हमारा कनेक्शन जब आप थे इनकी लाइफ में तो कितना अच्छा अच्छा सब कुछ था मैं डेली अपने काम पे जाता था या जाती थी तो मुझे खुशी महसूस होती थी मुझे लगता था मैं घर से बाहर निकला हूँ तो अपने पार्टनर से अब बात कर सकता हूँ घर में रह के मैं बात नहीं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें ना बहुत इनके माइंड में चल रही है और ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं ये कुछ के केसेस में कहूँगी क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स आया है ये किसी एक इंसान को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं आपके वो अच्छे लम्हों को महसूस कर रहे हैं मिस कर रहे हैं जो आप दोनों ने एक साथ बिताए थे आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्रॉस रोड पर क्यों खड़ा हुआ मैंने उस वक्त एक डिसीज़न क्यों नहीं लिया अब ये एक डिसीज़न लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ठीक है टू ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जो चीट करा पास्ट में ठीक है तो कहीं ना कहीं इन्हें कर्मा फेस करने को मिला है ठीक है इनकी एक टफ साइकिल क्रिएट हो गई इन्होंने बहुत कुछ सफ़र करा अपने लाइफ में आपसे बिल्कुल डिटैच होने के बाद नो कॉन्टैक्ट होने के बाद अगर नहीं करा तो आने वाले टाइम में करने वाले हैं ये क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे ठीक है ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है तो आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना आपको इस कनेक्शन में दोबारा से वापस लाना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से एक बिल्ड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को जो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं जो भी ऑब्स्टेकल हैं ये उन चीज़ों को साइड करते हुए बैलेंस बनाते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है साइंस बता देती हूँ और कब तक बढ़ने के चांसेस हैं देखो यहाँ पर सिक्स मंथ भी लग रहा है ये जो चल रहा है ठीक है तीन महीने के बाद भी हो सकता है दो महीने के बाद हो सकता है चार महीने के बाद हो सकता है ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
ठीक है। साइंस है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये यहाँ पर ऑल साइंस इंक्लूड हैं। जो सबसे ज़्यादा हैं वो टॉरस है, पाइसिस है, एरीज है और लिब्रा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेंगे, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एंजल मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए कि आपके पार्टनर क्या मैसेज भेजना चाहेंगी। एंजल मैसेजेस आपके पार्टनर नहीं, सॉरी यूनिवर्स। रिमेंबर हु यू आर, एंजल सेज, मतलब यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि कह रहे हैं कि आपको अपनी वर्थ को और अपने आप को समझना है कि आप कौन हो, क्या हो। आप एक पावरफुल, लविंग, क्रिएटिव इंसान हो जो हर किसी से प्यार करना जानता है, ठीक है। तो कभी भी नफरत सहन ना करें अपने पार्टनर को, ठीक है। आप अगर कोई भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो वो काम कर रही है, प्रेयर वर्क्स, ठीक है। मिरेकल्स आर ब्लॉजमिंग इन माई लाइफ, हमेशा ये सोचना है कि मिरेकल्स तो हमेशा से मेरी लाइफ में होंगे और होते रहेंगे, वो भी इन पॉजिटिव वे में, ठीक है। और वो हो भी रहे होंगे, आने वाले टाइम में होने वाले हैं अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो, ठीक है। आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेट, ठीक है। अगर आप ये पॉजिटिव थिंकिंग माइंड सेट रखोगे तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिविटी भी नहीं आती है उस साइड पे, ठीक है। थ्रोट चक्रा, अगर आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं तो यूट्यूब में बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं, उन्हें देख कर अपने ब्लॉकेजेस को ओपन अप करें, ठीक है। एंजल्स आपको कह रहे हैं फिर से कि सच और सच्चाई को बोलना सीखिए। अगर आपके दिल में कोई बात है अपने पार्टनर को लेकर तो उसको मुंह पे लेके आइए बजाय इसके दिल में रखने के, ठीक है। द हीलिंग एंजल इज़ विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क, आप लोगों को खुद को भी हील करना चाहिए। अब हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हीलिंग प्रॉपर आप कर रहे हो, ठीक है। अपना कोई भी ऐसा काम करिए जिससे आपका मन खुश होता है, वो भी एक हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। आर्की एंजल ऑलवेज आपके साथ हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आपको उन पे से बिलीव रखना है, ठीक है। ये चीज़ें, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, आपको हमेशा अपनी जो आपकी अंदर आत्मा आपको बोलती है ना उस पे बिलीव रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान वास करता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर मैं सॉन्ग देखूंगी, लव मैसेजेस नहीं देखूंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। मैं सॉन्ग देख रही हूँ आपके पार्टनर की साइड से, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ठीक है। किशोर कुमार का ही गाना है ये, ठीक है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ठीक है। ये गाना आप सुनना, मे बी आपसे कुछ रिलेट कर जाए, उनके कोई मैसेजेस हों आपके लिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी, कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट अपडेट्स और डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। करंट एनर्जीज़ पे, मिसिंग एनर्जीज, स्टॉकिंग एनर्जीज़, एनीथिंग, जो भी कुछ भी है वहाँ पर डेली के अपडेट्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ आपको मैसेज आपके पार्टनर की साइड से मिलता ही है, क्योंकि मेरे लिए डेली वीडियोज़ बनाना सच में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत मुश्किल से वक्त निकालती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं उन पर भी फोकस रहना चाहती हूँ। यानी कि मेरा काम ही काम हो, मैं उनसे फोकस आउट हो जाऊँ, ऐसा वो मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। अगर आपको डेली अपडेट चाहिए आप इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग, आप मुझे बता ही सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।